तो हेलो भाई, आ चुका हूँ न्यू माइनक्राफ्ट 1.18 का भी आयरन फार्म, लेके बहुत ही इजी है भाई एंड बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। देखो इतना ही जल्दी भी दो दो आयरन गोलम इस फॉर्म होते जा रहा था, चलो इस बिना टाइम इसको फार्म को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फार्म को बनाने के लिए पहले कुछ इस तरीके से आपको दो चेस्ट लगा देने आगे, कुछ इस तरीके से चेस्ट लगाना, उसके बाद कैसे आगे कुछ इस तरीके से हॉपर लगाना, पहले चेस्ट क्राउच होना, चेस्ट करने का इधर दो हॉपर लगाना कुछ इस तरीके से, इस साइड भी दो हॉपर लगा देना, यहाँ करने कुछ इस तरीके से ऐसा लगाना, कुछ इस तरीके लग गया, उसके बाद भी एक एक हॉपर और लगाते जाना, उसके बाद एक एक और लगाते जाना भाई कुछ इस तरह। टोटल भाई आपको 12 हॉपर ही लगा, हॉपर लगाना टोटल 12 हॉपर लगेंगे भाई आपको। देखो कुछ इस तरीके से हॉपर लग गया, उसके बाद इस पूरे से साइड में एक एक ब्लॉक कवर कर देना, एक एक ब्लॉक पूरा लगा देना भाई, चेस्ट के ऊपर बस नहीं लगाना भाई, कुछ इस तरीके से ब्लॉक को लगा देना जैसे मैं लगा रहा हूँ भाई, कुछ इसी तरीके से आपको भी ब्लॉक को लगा देना, ब्लॉक लगाने के बाद कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद चेस्ट के पास ब्लॉक नहीं लगाना भाई, चेस्ट ना उसके पास ब्लॉक नहीं लगाना, यहाँ से 5 ब्लॉक ऊपर जाना आपको कुछ इस तरीके से, 5-5 का पूरा राउंड बना देना भाई, मतलब पूरा कवर कर देना कुछ इस तरीके से, 5-5 का है ना भाई, पूरा कवर कर देता हूँ चारों तरफ से। चलो इसमें जल्दी जल्दी कवर करके आपसे मिलता हूँ। तो देखो इस पूरा कवर होने जो अलग है, पूरा कवर हो गया, पूरा कवर होने के बाद कुछ इस तरीके से बना भाई, यहाँ करने फिर 2 ब्लॉक यहाँ का लगा देना कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ करने 2 ब्लॉक कुछ इस तरीके से ऐसा लगा देना कैसे, उसके बाद कैसे नीचे कैसे 3-3 ग्लास ब्लॉक लगा देना कुछ इस तरीके से, जैसा मैं लगा रहा हूँ वैसे भाई आप भी 3-3 ग्लास ब्लॉक लगा सकते हो भाई, अगर लगाना चाहो तो भाई, सो नहीं लगाओगे तो भी चल जाए भाई, ब्लॉक लगा दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आयरन गोलम को देखने के लिए भाई मर रहा है कि नहीं, देखने के लिए भाई ग्लास लगा सकते हो, तुम ग्लास लगा देगा ऐसे कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद कैसे इस साइड आना भाई, यहाँ से भाई आपको 7 ब्लॉक जाना भाई, आपको यहाँ टोटल आपको 7 ब्लॉक जाना कुछ इस तरीके से, यहाँ से 7 ब्लॉक आना कुछ इस तरीके से, अच्छा मैं आ गया 7 ब्लॉक, उसके बाद आपको यहाँ से भी 7 ब्लॉक आना कुछ इस तरीके से, अच्छा करके 7 ब्लॉक आना यहाँ से भी, उसके बाद बीच से भी आपको 7 ब्लॉक जाना भाई कुछ इस तरीके से, सामने पर 7 ब्लॉक नहीं जाना कैसे याद रखना, जिधर मैं जिधर चेस्ट वेस्ट अब उधर नहीं जाना, तो इधर भाई पूरा कवर करना जल्दी जल्दी, मैं इस तरफ पूरा कवर करके मिलता हूँ आपको पूरा इसको सबको फिल करके। देखो इस पूरा फिल करने के बाद हो गया, देखो इस सामने नहीं लगाऊंगा ब्लॉक, पूरा फिल हो गया, पूरा फिल होने के बाद कुछ इस तरीके से देखेगा, उसके बाद कैसे आंगन एक ब्लॉक लगाना, फिर यहाँ एक ब्लॉक पूरा, उसके बाद एक एक ब्लॉक पूरा चारों तरफ से इसको कवर कर देना भाई, मतलब बॉर्डर बना देना एक एक ब्लॉक को, जल्दी से बना के मिलता हूँ आपसे। देखो इस पूरा बॉर्डर बनेगा इस कुछ इस तरीके से, बॉर्डर बनेगा इस बॉर्डर बनने बट कुछ इस तरीके से देखेगा, देखो सामने मैं एक कुछ नहीं क्योंकि सामने से खाली अंदर बस कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, उसके बाद कैसे इधर आने के बाद कोई साइन बोर्ड लगा देना कुछ, तो 12 साइन बोर्ड लगाना टोटल का, तो मैं 12 साइन बोर्ड लगाता हूँ, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लग जाए भाई, 11, 12 कुछ इस तरीके से 12 साइन बोर्ड लग जाएगा। उसके बाद कैसे यहाँ खाने एक ब्लॉक लगा देना अपने यहाँ खाने ब्लॉक लगाना, उसके बाद एक बकेट ऑफ लावा मार देना भाई, उसके ऊपर ब्लॉक को तोड़ देना कुछ इस तरीके से भाई, लावा चारों तरफ फैल जाते हुए कुछ इस तरीके से लावा फैल गया, इस फैलने कुछ इस तरीके से देगा। उसके बाद पूरा ब्लॉक ऊपर जितना भाई सब तरफ स्टेयर लगा देना भाई, एक एक ब्लॉक ऊपर मतलब स्टेयर लगा देना कुछ इस तरीके से, पूरा घेरा बना देना भाई स्टेयर का, चलो इसमें जल्दी जल्दी स्टेयर का घेरा बना के मिलता हूँ राउंड बना के। तो देखो कुछ पूरा हो गया, पूरा चारों तरफ स्टेयर लगेगा कुछ इस तरीके से देखो भाई, स्टेयर लगने के बाद देखो पूरा स्टेयर लग गया वो सामने है, देखो कुछ इस तरीके से कलेक्टिंग चैम्बर भी बन गया, सब चीज़ बन गया। उसके बाद कैसे आपको नीचे जाना, मैं नीचे जाकर भाई टॉर्च लगा देना इस तरफ, ताकि भाई मॉब स्पॉन ना हो, इसलिए आया मैंने टॉर्च वॉर्च कुछ इस तरीके से टॉर्च लगा देना भाई, वरना भाई मॉब यहाँ स्पॉन हो सकते भाई, इसलिए मैं टॉर्च लगा देता हूँ, थोड़ा उजाला कर देता हूँ। देखो इस पूरा टॉर्च लगे, पूरा टॉर्च लगने के बाद यहाँ दो दो ब्लॉक का भाई कुछ इस तरीके से बनाना भाई, देखो 3 हो गया, फिर चौथा यहाँ करने भी ले आना भाई, एक और लेकर आ रहा है यहाँ कुछ इस तरीके से, ऐसा भाई दो दो ब्लॉक ऊपर करके 4 ब्लॉक कुछ इस तरीके से लाना, उसके बाद सीधा भाई 11 ब्लॉक तक जाना है आपको ना, यहाँ से ऐसे 11 ब्लॉक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद 11 लगा, 11 हो गया भाई कुछ इस तरह, फिर यहाँ से 3 ब्लॉक कुछ इस तरह से जाना कुछ इस तरह से ऐसा जाना, उसके बाद कुछ इस तरह से फिर यहाँ चौथे ब्लॉक से भाई कुछ इस तरीके से ऐसा करके आ जाना भाई, मतलब पूरे देखो पूरा पूरा यहाँ कवर कर देना वापस आकर पूरे कुछ इस तरह से देखेगा। उसके बाद कैसे यहाँ भी नीचे भी टॉर्च लगा देना भाई, ताकि मॉब स्पॉन ना हो भाई, यहाँ भी अंदर वरना विलेजर मर देंगे भाई, मॉब स्पॉन हुआ विलेजर को मार सकते गए तो लोग, तो यहाँ का भाई लगा देना कुछ इस तरह से टॉर्च, यहाँ चारों दोनों तरफ में लगा देता जल्दी जल्दी टॉर्च इसमें। देखो टॉर्च लगे, टॉर्च लगने के बाद भाई क्या भाई फ्लैचिंग टेबल लगा देना पूरा भाई, 10-10 लगाना कुछ इस तरफ यहाँ, फिर 10 ब्लॉक तोड़ तोड़ के 10 ब्लॉक 10 फ्लैचिंग टेबल इधर लगाना भाई कुछ इस तरह, देखो 9, 8 हो गया भाई, देखो 9 और 10 इस तरफ हो गया भाई, इसके बाद 10 इस तरफ भी लगा देना भाई कुछ इस तरह के, दस करके 10 जल्दी जल्दी मैं 10 लगा लेता हूँ भाई इस पूरा इसमें।
तो गाइस देखो गाइस पूरा 20 फ्लैशिंग टेबल लगेगा कुछ इस तरह से 20 फ्लैशिंग टेबल लगने के बाद यहाँ का दो दो ब्लॉक लगाना कुछ इस तरह दो ब्लॉक लगा के भी 10 ब्लॉक तक जाना है इसे दो दो ब्लॉक लगाते हुए जल्दी जल्दी में लगा लेता हूँ यहाँ का दो हो गया कुछ तीन कुछ चार पाँच छः हो गया छठ वाला गया बस छः सात वाला गया सात उसके बाद आठ भाई ये क्या हो रहा है आठ उसके बाद नौ उसके बाद दस भाई देखो कुछ इस तरह से लगे उसके बाद दस बैट लगा देना भाई कुछ इस तरीके से उसके ऊपर भाई ब्लॉक के ऊपर दस बैट लगा देना उसके बाद भाई पूरे नीचे एक ब्लॉक को पूरा तो नीचे एक ब्लॉक लगाया था पूरे ब्लॉक को जल्दी जल्दी में तोड़ देना भाई तोड़ने के बाद इसके नीचे बैट लगाना भाई जल्दी जल्दी में उसको ब्लॉक को तोड़ जाऊँगा तो बस पूरा ब्लॉक टूट गया ब्लॉक टूटने के बाद दस बैट और इसके नीचे लगाना भाई कुछ इस तरह टोटल 20 बैट ही लगाना आपको देखो 10-20 बैट लगे कुछ इस तरह पूरा 20 बैट हो गया फिर मैं दो विलेजर लेकर आता हूँ मैं स्पॉन कर देता हूँ मैं दो विलेजर कुछ इस तरह से स्पॉन कर देता हूँ भाई इसको मार देता हूँ कैसे फालतू यहाँ के देखो दो विलेजर स्पॉन कर दिया मैं यहाँ का कुछ इस तरह तो उसके बाद कैसे यहाँ इसको फूट दे देता हूँ कुछ इस तरह यहाँ का देखो इस हिसाब से फूड दे दिया गया इसको देखो देख दोनों को एक एक स्टेक फूड देना भाई ताकि लोग ब्रीड कर सके भाई दोनों को एक एक स्टेक फूड दे दिया उसके बाद देखो सब दिल निकलेगा भाई दिल निकलने के बाद देखो ये लोग ब्रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे ब्रीडिंग करेंगे भाई इन लोगों का भाई बच्चा होगा देखो ब्रीड करेंगे लोग उसके बाद देखो किसी लोगों को बच्चा होगा बच्चा होने के बाद टोटल भाई आपको 20 फ्लेजर लाना जल्दी में पूरा 20 फ्लेजर ला के आपसे मिलता हूँ देखो पूरा 20 फ्लेजर आगे 20 फ्लेजर लाने में कुछ इस तरीके से हो जाएगा देखो पूरा 20 फ्लेजर हो गया उसके बाद इसके ऊपर भाई छत बना देना भाई मतलब पूरा कवर कर देना भाई स्लैब लगा के कवर करना इसको पूरा जल्दी जल्दी में इसको पूरा कवर करके मिलता हूँ आपसे पूरी छत बना के इसको तो देखो बस पूरा कवर हो गया पूरा कवर होने के बाद इसके ऊपर टॉर्च लगा देना कुछ इस तरह से टॉर्च लगे देखो बस पूरा कवर और होगा उसके बाद यहाँ का चार साइन बोर्ड लगा देना जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ का कुछ इस तरीके से ताकि भाई इसके अंदर वाटर ना जा पा भाई अगर गलती चले जाए तो भाई वो पूरा ऑक्सीडन बन जाए भाई अलावा कुछ इस तरह से उसके बाद कैसे अपने आयरन गोलम भी स्पॉन होने लग गया भाई उसके बाद कैसे यहाँ से पूरा भाई पूरा ब्लॉक लगाना भाई एक तरफ बस मैं नहीं लगाना भाई तीनों तरफ लगाना जल्दी में पूरा ब्लॉक लगा लेता भाई एक एक ब्लॉक लगाना चलो उसमें दिखा देता हूँ कुछ कैसे लगाना आपको ब्लॉक तो बस पूरा ब्लॉक लग गया एक साइड पर सामने साइड बस नहीं लगाना उसके बाद ब्लॉक यहाँ से वाटर बकेट मार के देखता हूँ भाई वाटर बकेट ऐसा डाला वो देखो पानी सही जा रहा भाई पूरा उसको सब तरफ वाटर बकेट मारना भाई सब तरफ नहीं मारना सामने तरफ नहीं मारना बाकी बाकी तीनों तरफ मार देना भाई वाटर बकेट तो उस पर जल्दी जल्दी पूरा वाटर बकेट मारता हूँ भाई देखो इस पूरा सब पूरा वाटर वगैरह मर गया भाई देखो इस साइड बस नहीं डालूँ अब देखो इसमें एफ पे करता हूँ एफ पे करूँगा देखूंगा इस आयरन गोलम आते जाएगा भाई स्पॉन होंगे और इस पर जाके कहीं मरते जाएंगे फिर आयरन कलेक्ट होता जाएगा देखो इस तुरंत एफ के किया भाई एक साथ दो दो आयरन गोलम होगा देखो कितना ईजी भाई मतलब एक मिनट भी हुआ होगा भाई एक मिनट ही हो रहा होगा एफ के कर देखो दो दो भाई एक कितने जल्दी जल्दी आयरन गोलम स्पॉन हो रहा देखो भाई ये भी स्पॉन होगा भाई इसके बाद और भी स्पॉन होगा देखो ऐसा स्पॉन होगा कितना ही ओपी काम करता भाई बहुत जल्दी जल्दी आपको आयरन मिलेगा भाई बस आपको रुक के थोड़ा सा देख लो भाई देखो उसके तो चलो कोई सब मजा आगे भाई चेस्ट में चेक करता हूँ कितना सारा आयरन हुआ तो भाई देखो भाई जहाँ दो दो एक साथ तो स्पॉन होगा भाई जैसे मैं चेस्ट में चेक करने जाने वाला था तो चलो कोई सब मैं चेस्ट में जाकर चेक करता हूँ कितना आयरन आया है चलो इस नीचे जाते हैं नीचे जाने पर देखो एक आयरन गोलम मर रहा है उसके बाद एक और आगे देखो दो दो आयरन गोलम मर रहे भाई एक साथ भाई दो स्पॉन होगा भाई तो वो एक स्टेक होने वाला गए चलो बस मैं इसको मर गया उसके बाद चेक कर देखो एक स्टेक ज़्यादा होगा तो कुछ कितना ओपी भाई कितना जल्दी एक स्टेक होगा तो वैसे आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बता देंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई जल्दी जल्दी 360 सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तो चलो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।